ये वीडियो मेरे 9th क्लास के बच्चों के लिए है और अब मैंने लेसन 6 दे रखा है जिसका टॉपिक है स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशासन की तरफ से जो सेवाएं होती हैं उसके लिए दे रखा है। तो बच्चों मैं पहले सबसे पहले मैं चैप्टर का आपको अर्थ समझाऊंगी कि चैप्टर का अर्थ क्या है। स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं यानी जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ आपके स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी सेवाएं आपको उपलब्ध हो रही है, चाहे वो प्रशासन से हो और चाहे व्यक्तिगत हो, ठीक है ना। और इस चैप्टर में उसके बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि जन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। जन मीन्स व्यक्ति, ठीक है ना। और जब जन स्वास्थ्य आ जाता है तो सामूहिक रूप से उनके स्वास्थ्य के बारे में, देख रेख के बारे में जो जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो चाहे वो निजी अस्पतालों की तरफ से हो, तो जन स्वास्थ्य का वहाँ अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे जन स्वास्थ्य से अभिप्राय किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य से होता है। मैंने जैसे बताया ना, जन स्वास्थ्य का अर्थ आ गया व्यक्तिगत नहीं, यहाँ पर मतलब एक समूह रूप से उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए वो सामूहिक स्वास्थ्य से होता है, जिसका उत्तरदायित्व मतलब व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध प्रत्येक व्यक्ति का अपना होता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध तो मतलब अपना ही होता है, मतलब वो अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाए रखे और कौन कौन सी सुविधाएं के द्वारा अपना इलाज करे। लेकिन जहाँ जन स्वास्थ्य का अर्थ आ जाता है तो वो प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित होता है। और जब प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य से, चाहे कोई सी बीमारी वहाँ वातावरण में फैली हो, तो जब प्रत्येक व्यक्ति को हानिकारक है तो वो इसका कदम कौन उठाता है? प्रशासन उठाता है, ठीक है ना। तो इससे संबंधित आपके चैप्टर में पूरा दे रखा है। जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं कि जिसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ठीक है ना। तो नंबर एक, शुद्ध वायु पहली सबसे पहली प्राथमिकता है, शुद्ध वायु। क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारा जो जीवन है वो वायु पर निर्भर है ज्यादातर, ठीक है ना। और हम शुद्ध वायु कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और उसके बदले में कौन सी निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जब जिस वातावरण में किसी के द्वारा, या तो फैक्ट्री है या यातायात के वाहन है उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां की वायु अशुद्ध हो जाती है। पेड़ पौधे नहीं होते हैं जिनका मतलब विनिमय हो सके, यानी वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले सके और हमारी हमें ऑक्सीजन दे सके। तो शुद्ध वायु, जहाँ शुद्ध वायु होती है तो वहाँ का जीवन बहुत अच्छा होता है। यानी जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताओं में सबसे पहले कौन सी दे रखी है? शुद्ध वायु। दूसरा है शुद्ध जल। जल ही जीवन है, हमारा 80% भाग बॉडी का जल के माध्यम से ही मतलब ठीक रहता है, ठीक है ना। मैंने पहले ही बताया कि रक्त प्रसंस्करण तंत्र में, पाचन तंत्र में हमें जल की सबसे पहले आवश्यकता होती है, और जल के माध्यम से ही बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। इसलिए हमें शुद्ध जल का सेवन सबसे पहले करना चाहिए। इसके बाद में आता है उचित आवास। आवास का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपने पर्यायवाची याद करे होंगे, आवास मिस घर होता है, भवन मिस घर होता है, सदन मिस घर होता है। तो उचित आवास, जब आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का रहने का जो स्थान है, आपका घर है, वो एकदम खुला वातावरण में होना चाहिए। उनमें मतलब खिड़कियां वगैरह ऐसे होना चाहिए जिससे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके, ऑक्सीजन आ सके। तो ऐसे आवास में, यदि ऐसे मकान में आप रहेंगे तो आपके शरीर को ज्यादा रोग नहीं सताएंगे। अब आता है उचित वातावरण। वातावरण मनुष्य का एक जीवन का बहुत कीमती चीज है कि अगर आप अच्छे वातावरण में रहते हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं, अच्छी स्थान पर रहते हैं, तो आपके स्वास्थ्य को शायद जल्दी बीमारी ना लगे। और अभी भी फिलहाल आपने देखा होगा कि कोरोना में बोल दिया था बिल्कुल साफ सफाई रहना है, हाथ को सैनिटाइजर करना है, और ज्यादा किसी के पास नहीं जाना है, बीमार व्यक्ति को अलग रखना है। तो क्या है, जो वातावरण ही तो होता है बच्चों, है ना। तो मतलब ये चीज सब उचित, जब अच्छा होगा ना आपका वातावरण, मोहल्ले का चारों तरफ का एरिया अच्छा होगा, तो आपको क्या है कि बॉडी में इतना जल्दी साइड इफेक्ट नहीं हो पाता है। और दूसरा है स्वच्छ और शुद्ध भोजन। मतलब जो भोजन आप कर रहे हैं, तो
स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। मतलब आजकल मार्केट में क्या है, बहुत सारी मिक्सिंग चल रही है, हर चीज में मिलावट चल रही है। और मिलावट क्या होती है, हम तो जानते हैं कि हम दूध अच्छा ले रहे हैं मार्केट से, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे केमिकल मिलाकर दूध तैयार किया जाता है जिससे कि फॉल्ट बॉडी के अंदर होता है। और शुद्ध भोजन मतलब ज्यादातर ताजा भोजन खाना चाहिए, बासी भोजन में बैक्टीरिया हो जाते हैं और मतलब ज्यादा तले हुए भोजन भी बॉडी को हानिकारक होते हैं। तो शुद्ध भोजन जो कि हमारे पोषक युक्त हो और हमें बॉडी में कोई हानिकारक ना पहुंचाए, तो क्या है स्वच्छ मतलब साफ भोजन होना चाहिए, उसकी आवश्यकता बहुत होती है और शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और चिकित्सा सुविधा। सबसे मेन पॉइंट है कि स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, अगर हमारे थोड़ी सी भी शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित है या हमें मिल जाए, और तो हम आदि बीमारियों को घर पर ही रहकर रसोई के माध्यम से दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन घर में ऐसी चीज़ों का यूज करते हैं। रसोई में जो होती है सौंठ होती है, आपका जीरा है, आपकी हींग है, बहुत सी, तो हमें पहले शिक्षा की आवश्यकता होती है। यदि हमने वो सीखा है अपने जीवन में, अपने सीखा है, शिक्षा ग्रहण की है, तो हम अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाए रख सकते हैं। और चिकित्सा सुविधा, अगर हमारी थोड़ी थोड़ी सी बीमारियां हैं और हमें उनका तुरंत इलाज मिल जाए, चिकित्सा सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाए, तो क्या है हमारी बॉडी एकदम फाट नहीं हो सकती और हम बीमारियों से बचे रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब है स्वास्थ्य संस्था एवं उनके कार्य, मतलब कौन कौन से कार्य होते हैं स्वास्थ्य संस्थाओं के जो कि आम व्यक्ति को मिलते हैं। स्थानीय स्वास्थ्य संस्था से हमारा तात्पर्य है कि चिकित्सा संबंधी उन्हीं संस्थानों से, उन संस्थानों से जो कि शासन, नगर पालिका, शासन द्वारा मिलता है, ठीक है, नगर पालिका और जिला परिषद चिकित्सा संबंधी उन सभी संस्थाओं से जो शासन द्वारा और नगर पालिका और जिला परिषद अथवा व्यक्तिगत रूप से समाज सेवी पुरुषों द्वारा संचालित किया जाता है। कि शासन के द्वारा, देखिए आपको शासन के द्वारा जब कोई ज़्यादा बीमारी समाज में फैल जाती है, जब वो महामारी घोषित कर दी जाती है, तो क्या इसमें कदम शासन उठाता है, शासन की तरफ से डोज वगैरह, जैसे अभी आप फिलहाल में ही देख रहे हो कोरोना की पकड़ इतनी जल्दी नहीं हो पाती अगर हमारा शासन इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाता। तो शासन ने हस्तक्षेप करा, उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया, देखो घर घर मतलब इसके चेक हुआ है और दूसरा डोज दी जा रही है जिससे कि मतलब ये बीमारी दूर हो जा रहा है। हमेशा होता है कोई भी भयंकर बीमारी जब महामारी ले लेती है तो उसको शासन ही कवर कर पाता है। दूसरा है नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं के द्वारा भी, जैसे कस्बा है या कि और देहात है, तो उनमें क्या है नगर पालिकाएँ इन्हें स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ प्रदान करती हैं। जिला परिषदों और जिला में इसके बाद क्या होता है कि जब अगर नगर पालिकाओं के द्वारा जो संचालित सेवाएँ उन पर नहीं काबू कर पा रहे हैं, तो जिला परिषद से उनकी सेवाएँ मिलती हैं। और व्यक्तिगत रूप से भी बहुत से निजी अस्पताल हैं और बहुत से समाज सेवी हैं जिनके जो कि समय समय पर दवाई और लोगों का चेकअप वगैरह करते रहते हैं और उन्हें सेवाएं देते हैं, तो इनके द्वारा क्या होती है हमारे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बहुत सी प्राप्त हो जाती हैं। अब है कि मतलब और इसमें इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, अब इसमें आता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, मैं आपको रिटर्न वर्क भी पहुंचाऊंगी इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपका 9th क्लास है और 8th और 7th में शायद आपने वर्क भी ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं कोरोना के चक्कर में, तो मैं इसलिए आपको और अच्छी तरीके से समझा रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन तैयार करें तो आपको कोई भी मतलब ऐसा ना लगे कि मैंने समझा नहीं है, है ना, और आराम से आप याद कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय क्या करता है बच्चों कि जो स्वास्थ्य संबंधी एक गठन करता है, एक सदस्यों का गठन करता है, उनमें क्या होते हैं अलग अलग क्षेत्र में जो लोग एक उनके मंत्री बन जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री अपने अपने क्षेत्र में उनकी सेवाएं देखते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है कि राजकीय अस्पताल, राजकीय अस्पताल कौन से होते हैं, जैसे आपके उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता ही है ना, आदित्यनाथ जी हैं,
योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो वो उन्होंने कितने मेडिकल वगैरह खुलवाए हैं, जैसे अभी जस्ट देखा जाए बदायूं में ही चल रहा है मेडिकल, बरेली में मेडिकल अस्पताल, तो जी किनके द्वारा है, राजकीय है, ठीक है, राज्य द्वारा जो अस्पताल खोले जाते हैं उन्हें राजकीय अस्पताल बोलते हैं, उनमें थोड़ी सी ही मतलब आपकी रुपए ज्यादा नहीं जाते हैं मरीजों के, और कम संख्या में निजी अस्पतालों से बहुत अच्छा होता है, ठीक। अब है नगर पालिकाओं द्वारा संचालित सेवाएं, नगर पालिकाओं द्वारा भी ऐसे स्वास्थ्य संबंधी कई ऐसे खोल दिए जाते हैं जिनका घर घर चेकअप वगैरह होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके बिलसी में, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर भी कोई भी बीमारी हो सबसे पहले हम वहाँ दिखाएंगे, अगर वहाँ के डॉक्टर उसे मना कर देंगे तो जिला में जाने के लिए बोल देते हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ आप रह रहे हैं, मतलब जहाँ या वो कस्बा में रह रहे हैं या कहीं ब्लॉक संबंधी है, गांव में रह रहे हैं तो ब्लॉक संबंधी आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ छोटे छोटे एक संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य का निरीक्षण करती हैं और उन्हें दवाइयाँ भी प्रोवाइड कराती हैं। उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो कस्बा में हो गया, जैसे कि आपके बिलसी में है, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या है, जो गांव का एरिया होता है उससे सब मतलब कवर करने के लिए उप प्राथमिक केंद्र होते हैं जो कि आपके ब्लॉक में होते हैं, जहां वो गांव का ब्लॉक लगता है बच्चों वहां होते हैं, ठीक है। अब इसमें दो क्वेश्चन है आपके, दो क्वेश्चन लॉन्ग बने हैं, बाकी के छोटे छोटे भी काफी क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या कार्य है, ठीक है ना, ये राजकीय अस्पताल कौन कौन से होते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपसे टेस्ट में लूंगी, तो आप पूरा अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे, रिवीजन मैं पहुंचाऊंगी आपके लिए, ठीक है, रिवीजन वर्क के लिए पूरा क्वेश्चन बनाकर पहुंचाऊंगी, ठीक है। अगर समझ में आए तो दोबारा कॉल कर लीजिए।